नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। पुलिस कप्तान मनीष अग्रवाल के निर्देश पर आज हांडिया थाने में चिटफंड कंपनी के हाथों ठगी के शिकार हुए लोगों की समस्या सुनने एवं ग्रामीणों को ठगी से बचने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार अर्चना शर्मा द्वारा फर्जी कंपनियों द्वारा किस तरह से लोगों को, खासकर महिलाओं को, थोड़े से पैसे का लालच देकर ठगी का शिकार बनाया जाता है, इस संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान चिटफंड कंपनियों की ठगी के शिकार हुए नागरिकों ने तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए राशि वापस दिलाए जाने की बात रखी। सहारा बैंक में मतलब FD कम से कम 80,000 रुपए की FD है, उसको कम से कम हो गए 8 साल। मुझे ना तो अभी तक उस पैसे की राशि मिली है और ना कोई जानकारी प्राप्त हो रही है कि मैं किसी मतलब एजेंट के पास भी जाता हूं तो वो यही बताते हैं कि अभी आई नहीं है या वहां पे केस चल रहा है, इस कारण पैसा मुझे मिल नहीं रहा। मैं भी बहुत परेशान हूं और हंडिया थाने में शिविर लगा है तो मैं यहाँ शिकायत करने आया हूँ। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चिट फंड कंपनियों द्वारा लोगों को ठगी के संबंध में शिविर लगाया गया था, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए और अपनी अपनी समस्या बताई, जो लोगों को ठगी का शिकार हुए हैं, जिनकी समस्या सुनी और उन्हें समझाइश दी गई कि आइंदा ऐसी कंपनियों के झांसे में ना आए और जो आपके साथ ठगी हुई है उसके संबंध में आपकी कार्रवाई ऊपर चल रही है, आपको उस न्याय दिलाया जाएगा। एक उन्हें सांत्वना है कि आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसके उनके जो जिन्होंने इनके साथ किया है उन्हें दंड मिलेगा और इन्हें न्याय मिलेगा। और तीसरा, ये जो आजकल क्या होता है कि महिलाओं को जब पुरुष वर्ग नौकरी या वहाँ कहीं जाते हैं काम करने, तो ये महिलाओं के पीछे बहुत लगे रहते हैं। कभी कोई योजना लेके आएंगे, इसमें आपको 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 6, तो इस तरह का व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ ना हो। तो ये जो लोग आए हैं इनके माध्यम से हम कहना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही आईबीएन 9 के साथ जारी रहेगा। अब देखते रहिए आईबीएन 9।